तो दोस्तों वीडियो का स्टार्टिंग में आप जरूर देखा होगा कि एलजी का ये जो चैसिस है इसका अंदर जो साउंड आईसी 2006 नंबर की साउंड आईसी इसका प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। और दोस्तों ये आईसी का जो पिन वोल्टेज ये आप गूगल पर चेक करेगा तो तब भी इसका पिन वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा तो ये वीडियो के अंदर वो भी बताऊँगा और ये आईसी का पिन वोल्टेज भी बताऊँगा और ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा फुल वॉच कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाऊंगा। कुछ भी डाउट आपका मन में मैं नहीं रखना चाहता हूँ। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो पीसीबी एलजी का जो ओरिजिनल पीसीबी है बार दोस्तों एलजी ओरिजिनल पीसीबी का अंदर जो साउंड आईसी अलग अलग मॉडल का अंदर अलग अलग दिखा जाता है। और ये जो मॉडल इसका अंदर जो ऑडियो आईसी आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा ऑडियो आईसी है। ये ऑडियो आईसी का जो नंबर यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लियर आता है कि नहीं। तो दोस्तों नंबर तो क्लियर नहीं आ रहा है पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2006 का ये साउंड आईसी है, ठीक है। तो ये साउंड आईसी का जो प्रॉब्लम आप देख लिया कि साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर टच करने के बाद साउंड आ जाता है। तो चलिए वोल्टेज चेक करने के बाद कुछ पता चलता है कि नहीं ये भी एक बार देखूँगा और उसका बाद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि इस तरह प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो आईसी है ये आईसी का आप डाटा शीट चेक करेगा तो गूगल का अंदर डाटा शीट मिल जाएगा पर दोस्तों ये आईसी का जो पिन वोल्टेज आप चेक करेगा तो देखने को नहीं मिलेगा। तब भी आपको पता नहीं चाहते ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए कि ये आईसी का कौन पिन पर कितना वोल्ट होना चाहिए ये भी आपका साथ शेयर करूँगा। तो ऑडियो जो स्पीकर तो दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन है इसका दोनों साइड आप देखिए इसका तीनों पिन है, इसका दोनों साइड से इसका जो ऑडियो ये स्पीकर पर जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक स्पीकर है और ये वायर से डायरेक्ट ये लाइन का अंदर स्पीकर चला गया, ठीक है। तो चलिए पीसीबी उल्टा करने के बाद आपका एक बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखूँगा कि ये प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पीसीबी को मैं उल्टा किया, इसका ऑडियो वीडियो कनेक्शन मैं करके ही रखा हूँ और चलिए मैं सप्लाई देके आपको देखूंगा। मीटर को मैं यहाँ पर सेट करके रखा हूँ, ये 200 डीसी रेंज पर मैं मीटर को सिलेक्ट किया। तो चलिए फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर आप फॉलो कर सकते हो कि पिक्चर आता है कि नहीं। तो टीवी तो अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है इसका जो पावर स्विच है बंद हो गया। चलिए मैं पावर स्विच पावर स्विच को ऑन कर दिया और टीवी पर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्नो आ गया, ये भी म्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए इसका बॉटम पुश करके ये भी म्यूट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसका ये भी म्यूट करने के बाद इसका अंदर पिक्चर तो आ गया तो साउंड दोस्तों अभी नहीं आ रहा है। तो फिर भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो साउंड आईसी है 2006 नंबर का जो साउंड आईसी है इसका पांचवा पिन है और ये जो यहाँ पर टच करने के बाद आप देखिए इस तरह दोस्तों साउंड आ जाता है। अब फिर भी फॉलो कीजिए, यहाँ पर टच करने के बाद तो दोस्तों इस तरह पार करके साउंड आ जाता है। तो इसका मतलब लगेगा कि ये सेक्शन लूज कॉन्टैक्ट हो सकता है बट दोस्तों लूज कॉन्टैक्ट नहीं है क्योंकि मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया। तो इसका मतलब क्या है कि आईसी खराब हो सकता है क्या, कि यह प्रोसेसर आईसी खराब हो सकता है क्या, तो मन में बहुत कुछ चलेगा। तो चलिए थोड़ा सा ये जो पोजिशन आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट होता है, मेन प्रोसेसर आईसी का अंदर जाता है और मेन प्रोसेसर आईसी से सिग्नल, तो ऑडियो सिग्नल जो ये आईसी का एक नंबर पिन पर आता है, ठीक है। तो एक नंबर पिन पर कितना वोल्ट एक बार चेक करना पड़ेगा दोस्तों। एक नंबर पिन है, एक नंबर पिन पर देखिए अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, दो नंबर पिन,
यह पर 1 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है, 2 नंबर पिन पर। और 3 नंबर पिन पर, तो दोस्तों 3 नंबर पिन पर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। और 4 नंबर पिन, तो दोस्तों 4 नंबर पिन पर भी 1 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक है, ये 4 नंबर पिन। और 5 नंबर पिन फिर भी टेस्ट करके देखता हूँ कि 26 वोल्ट मौजूद है, तो तब भी साउंड नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर भी यहाँ पर एक बार टच करके देखता हूँ। कर रहा हूँ, 7 तारीख को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑफ करने के बाद ये जो सिम्टम आपको क्लियर करके बताना चाहते हो कि आईसी का वोल्टेज मिसिंग है, कुछ वोल्टेज मिसिंग है, तो रिपेयर करने के बाद आपको प्रैक्टिकली करके देखाऊंगा कि क्यों इसका अंदर वोल्टेज मिसिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फॉलो कीजिए कि यहाँ पर ये जो सप्लाई लाइन है, ठीक है, आप अच्छा करके यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सप्लाई लाइन है, ठीक है, ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन के साथ इधर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये एक साथ तीनों रेजिस्टेंस कनेक्शन है, और यह से अलग रेजिस्टेंस ये लाइन पर कनेक्शन है, तो दोस्तों ये नेगेटिव का साथ, ठीक है। और ये जो लाइन है यह से अलग रेजिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ये ऑडियो जो इनपुट पॉइंट है आईसी का 1 नंबर पिन, इसका साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू 100 किलो ओम्स, ठीक है, ये 100 किलो ओम्स, ठीक है, ये भी 100 किलो ओम्स और ये भी 100 किलो ओम्स, तो इसका अंदर जरूर एक रेजिस्टेंस ओपन हो गया। चलिए एक बार मेजर करके देखूंगा, और उसका पहले आपको पीसीबी उल्टा करके एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक उल्टा करके आपको। तो दोस्तों पीसीबी को मैं उल्टा किया, और ये जो साउंड आईसी है इसका पास ही आप देखिए, आपको क्लियर करके, बहुत क्लियर करके मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो यूट्यूब पर आपको बहुत क्लियर करके कभी नहीं दिखाएगा। और आप अच्छा करके देखिए, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस का जो कलर वैल्यू सेम ही है, ठीक है, कुछ भी एक रेजिस्टेंस जरूर ओपन हो गया, ठीक है, इसी के बजाय वोल्टेज प्रॉब्लम हो गया, हो सकता है जो सप्लाई लाइन के साथ जो रेजिस्टेंस है वो अधिकतर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये जो रेजिस्टेंस देखिए, फर्स्ट ये जो रेजिस्टेंस R623, ये जो पोजिशन नंबर, और उसके बाद ये पोजीशन नंबर, इसका नीचे तीनों पोजीशन नंबर ऊपर से क्लियर नहीं देखा जाता है, और दोस्तों ऊपर से जो देखा जाता है यही आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस है, अच्छा करके देखिए, चलिए मैं तीनों रेजिस्टेंस को एक बार मेजर करूँगा, मेजर करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं पीसीबी को अच्छा करके देखा हूँ, देखने के बाद आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। और ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस का अंदर जो सप्लाई लाइन, ये जो 5 नंबर पिन जो सप्लाई है, सप्लाई लाइन से जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो गया, इसी का वजह इसका अंदर जो वोल्टेज आना चाहिए ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, मेरा पास ये 100K का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आप अच्छा करके देखिए, ब्राउन ब्लैक येलो, ठीक है, तो मतलब ये 100K का एक रेजिस्टेंस है, तो ये हाफ वाट का, बार दोस्तों यहाँ पर क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। चलिए मैं आपका सामने ये रेजिस्टेंस एक बार लगा के दिखाता हूँ कि साउंड आता है कि नहीं। देखिए सप्लाई लाइन का साथ ये लाइन, और शुरुआत हो गई है प्रधानमंत्री मोदी ने भी। दोस्तों आप जरूर देखा, आपका सामने में प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद साउंड बिल्कुल ओके आ गया। तो चलिए मैं फिर भी आपको लगा के दिखाता हूँ, और उसके बाद तो दोस्तों आप जरूर देखा होगा कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद साउंड बिल्कुल ओके आ गया। बट दोस्तों आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑडियो का कॉर्ड है, ये ऑडियो कॉर्ड डायरेक्ट ये जो ऑडियो आईसी का इनपुट पॉइंट है, यह पर टच करने के बाद तब भी साउंड नहीं मिल रहा है, ये सिम्टम को भी आपको अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी आपको टच करके दिखाता हूँ, देखिए देखिए इस तरह टच करने के बाद इस तरह पर करके थोड़ा सा साउंड आ जाता है। चलिए ये पोजीशन रेजिस्टेंस मैं लगाता हूँ, लगाने के बाद आपको एक बार वोल्टेज चेक करके देखाऊंगा, ठीक है। शुरुआत होती है और सभी स्थानीय देवी देवता ढोल नगाड़ों की धुनों पर देव मिलन में आते हैं। दरअसल हिमाचल के लगभग हर गांव का अलग देवता होता है और लोग उन्हें कर्ता धर्ता मानते हैं। तो दोस्तों आप जरूर देखा होगा साउंड बिल्कुल ओके आ गया, मैं साउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि आपको वोल्टेज क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ।
तो चलिए अभी इसी टाइम EIC का कौन सा पिन पर कितना वोल्ट होना चाहिए। फर्स्ट इसका सप्लाई वोल्ट फिर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि दोस्त इसका सप्लाई पिन पर कितना वोल्ट आना चाहिए। आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा कि IC सप्लाई पिन पर कितना वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सप्लाई है, तो दोस्तों ये जो मीटर का नेगेटिव, ये लूज कॉन्टैक्ट था, तो यहाँ पर मैं लगाया सल्फर का बजाय वोल्टेज सही नहीं मिला, ठीक है। तो एक्चुअली वोल्टेज हर टाइम मौजूद है जो सप्लाई वोल्टेज, तो मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सप्लाई पिन पर अभी वोल्टेज देखिए, अब मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए 27.6 वोल्ट इसका सप्लाई वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए एक नंबर से आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर पिन पर वोल्टेज मिसिंग था, अभी देखिए वोल्टेज एक नंबर पिन पर 13.2 वोल्ट, ठीक है, मतलब 13 वोल्ट। और दो नंबर पिन पर, तो दोस्तों दो नंबर पिन पर 15 वोल्ट, अब अच्छा करके देखिए दो नंबर पिन पर 15 वोल्ट, ठीक है, ये दो नंबर पिन है। तो दोस्तों ये एक, ये दो, तीन, चार और पाँच, ठीक है। तो चलिए तीन नंबर पिन पर, तीन नंबर पिन, तो दोस्तों ये हो सकता है नेगेटिव, तो दोस्तों तीन नंबर पिन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और चार नंबर, इसका चार नंबर पिन दोस्तों देखिए 15 वोल्ट, 15.23 इस तरह आ रहा है। तो ये हो गया चार नंबर, और पाँच नंबर पिन तो सप्लाई वोल्ट आपको दिखाया 27 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो 2006 IC का सप्लाई वोल्ट, ठीक है। तो साउंड तो बिल्कुल ओके हो गया। तो ये रेजिस्टेंस मैं ऊपर से ही लगाया आपको दिखाने के लिए, ठीक है, मैं सीधा करके लगाऊंगा ये रेजिस्टेंस को, ये 100K किलोम्स, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो चलिए फिर भी आपको कंफर्म करने के लिए म्यूट को मैं ऑन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं ये म्यूट को ऑन करके दिखाता हूँ।